सनातन धर्म में देवों के देव महादेव शिव शंकर स्वयंभू का सबसे बड़ा महत्व है। सावन का महीना न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान है। सावन मास से तीनों लोकों में परिवर्तन होता है, एक तरह से पृथ्वी का पुनर्जीवन शुरू होता है। करोड़ों लोग शिव जी को इस संसार का पालनहार मानते हैं तो कई शिव के पीछे के विज्ञान को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। हिंदू धर्म के अलावा कई समुदाय के लोग शिव को मानते हैं। शिव को आप किसी धर्म जाति पंथ तक सीमित नहीं रख सकते क्योंकि शिव खुद असीमित और असाधारण है। ना तो शिव का कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है, जैसे ब्रह्मांड। बहुत से लोग शिव को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्या शिव कोई आकृति है या निरंकार है? वो ईश्वर है या मनुष्य रूपी देवता है? शिव क्या है, कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सारे सवाल एक शिव भक्त के चित्त में विचरण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह दावा करे कि उसने यह समझ लिया है कि शिव क्या है और कौन है, तो इसका अर्थ यह है कि या तो वह झूठ बोल रहा है या उसे अभी भी इसका ज्ञान नहीं है। शिव को समझा नहीं जा सकता। महादेव के बारे में सदगुरु जग्गी वासुदेव क्या कहते हैं? सदगुरु कहते हैं, जब हम शिव कहते हैं तो इसके दो मूलभूत पहलू हैं जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं। शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान हमें यह साबित कर रहा है कि सब कुछ कुछ नहीं से आता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग एंड गोज बैक टू नथिंग, और वापस कुछ भी नहीं जाता है। अस्तित्व का आधार और ब्राह्मण का मौलिक गुण विशाल शून्य है। आकाश गंगाएं तो बस एक छोटी सी घटना है, एक छिड़काव। बाकी सब विशाल खाली स्थान है जिसे शिव कहा जाता है। यही वह गर्भ है जिससे सब कुछ पैदा होता है और वह विस्मरण है जिसमें सब कुछ वापस चला जाता है। सब कुछ शिव से आता है और शिव में वापस चला जाता है। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक निश्चित योगी, आदि योगी या प्रथम योगी और आदि गुरु, प्रथम गुरु का भी उल्लेख कर रहे हैं। तो शिव को एक अस्तित्व के रूप में नहीं बल्कि एक गैर के रूप में वर्णित किया गया है। शिव को प्रकाश के रूप में नहीं बल्कि अंधकार के रूप में वर्णित किया गया है। मानवता प्रकाश की स्तुति करने के बारे में केवल दृश्य तंत्र की प्रकृति के कारण चली गई है, जो वे ले जाते हैं। अन्यथा केवल एक चीज जो हमेशा रहती है वह है अंधेरा। प्रकाश इस अर्थ में एक सीमित घटना है कि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वह प्रकाश बल्ब हो या सूर्य, अंततः प्रकाश देने की अपनी क्षमता खो देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, वह हमेशा एक सीमित संभावना होती है, क्योंकि ऐसा होता है और यह समाप्त हो जाता है। अंधकार प्रकाश से कहीं अधिक बड़ी संभावना है। कुछ भी जलने की जरूरत नहीं है, यह हमेशा है, यह शाश्वत है। अंधेरा हर जगह है, यह एक ऐसी मात्र चीज है जो सर्वव्यापी है। लेकिन अगर मैं दिव्य अंधकार कहता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं शैतान उपासक हूँ और कुछ और। दरअसल पश्चिम में कुछ जगहों पर यह प्रचार किया जा रहा है कि शिव राक्षस है। लेकिन अगर आप इसे एक अवधारणा के रूप में देखते हैं तो सृष्टि की पूरी प्रक्रिया और यह कैसे हुआ के बारे में ग्रह पर अधिक बुद्धिमान अवधारणा नहीं है। मैं दुनिया भर के वैज्ञानिकों को शिव शब्द का उपयोग किए बिना वैज्ञानिक शब्दों में इसके बारे में बात कर रहा हूँ और वे चकित हैं। क्या ऐसा है? यह ज्ञात था कब? यह हम हजारों वर्षों से जानते हैं। भारत में लगभग हर किसान अनजाने में इसके बारे में जानता है। वह इसके पीछे के विज्ञान को जाने बिना ही इसके बारे में बात करता है। शिव इस संसार के पहले योगी हैं। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक निश्चित योगी, आदि योगी, प्रथम योगी की बात कर रहे होते हैं और साथ ही आदि गुरु, पहले गुरु, जो आज हम जिस योग विज्ञान के रूप में जानते हैं उसका आधार है। योग का मतलब सिर के बल खड़े होना या सांस रोककर रखना नहीं है। योग विज्ञान और तकनीक है जो इस जीवन की आवश्यक प्रकृति को जानने के लिए है और इसकी अंतिम संभावना तक कैसे ले जाया जा सकता है उसे पहचानने की है। योग विज्ञान का यह पहला प्रसारण कांति सरोवर के तट पर हुआ, जो हिमालय में है। केदारनाथ से कुछ मील की दूरी पर एक हिमनद झील है, जहां आदि योगी ने अपने पहले 7 शिष्यों के लिए इस आंतरिक तकनीक का एक व्यवस्थित प्रदर्शन शुरू किया, जिसे आज सप्तऋषि के रूप में मनाया जाता है। यह सभी धर्मों से पहले का है। इससे पहले के लोग मानवता को इस हद तक खंडित करने के
विभाजनकारी तरीकों को विकसित करे जहाँ इसे ठीक करना लगभग असंभव लगता है। मानव चेतना को बढ़ाने के लिए आवश्यक सबसे शक्तिशाली उपकरण महसूस किए गए और प्रचारित किए गए। शिव क्या नहीं है, दुर्भाग्य से आज अधिकांश लोगों का परिचय भारतीय कैलेंडर कला के माध्यम से ही शिव से हुआ है। उन्होंने उसे गोल मटोल नीले रंग का आदमी बना दिया है, क्योंकि कैलेंडर कलाकार का केवल एक ही चेहरा होता है। कृष्ण को मांगोगे तो हाथ में बांसुरी रख देंगे, राम को मांगोगे तो हाथ में धनुष रख देंगे, अगर तुम शिव को मांगोगे तो वह उसके सिर पर एक चांद लगा देगा और बस। हर बार जब मैं इन कैलेंडरों को देखता हूँ तो मैं हमेशा एक चित्रकार के सामने कभी नहीं बैठने का फैसला करता हूँ। तस्वीरें ठीक हैं, वे आपको वैसे ही पकड़ लेती हैं जैसे आप हैं। अगर आप शैतान की तरह दिखते हैं तो आप शैतान की तरह दिखते हैं। शिव जैसा योगी गोलमटोल क्यों दिखेगा, यदि आप उसे पतला दिखाते हैं तो ठीक है, लेकिन एक गोलमटोल काल शिव वह कैसा है। शिव ईश्वर है या इंसान, यौगिक संस्कृति में शिव को भगवान के रूप में नहीं देखा जाता। वह एक ऐसे प्राणी थे जो इस भूमि पर चले थे और हिमालय क्षेत्र में रहते थे। योग परंपराओं के स्रोत के रूप में मानव चेतना के निर्माण में उनके योगदान की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। शिव क्या है, कुछ लोगों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि शिव क्या है। शिव कोई आकृति नहीं, शिव सबसे सुंदर और विभत्स भी है, वह है भी और नहीं भी। शिव कल्पना भी है और वास्तविकता भी है। शिव सब कुछ है और कुछ नहीं भी। शिव इंसानों में भी है और दानवों में भी, वो अच्छे भी है और विनाशक भी है। शिव एक योगी भी है और अघोरी भी है। शिव सात्विक भी है और भांग का सेवन भी करते हैं। शिव शून्य से भी परे हैं। आप शिव को किसी एक भगवान तक सीमित नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही शिव है, शिव असाधारण है, या कुछ यूं कहें कि ध्यान मुद्रा में जब आपके चित्त में कोई भी विचार ना हो, सिर्फ अंधेरा हो, जिसमें ऊर्जा का संचार हो, वो शिव है।